अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां एचआईवी संक्रमित पिता की मौत के 18 साल बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से खफा जबलपुर के एक युवक ने चेतावनी दी है। उसने कहा है अगर अब नौकरी नहीं मिलती है तो वो खुद को एचआईवी संक्रमित कर लेगा। युवक ने हाल ही में ब्लड सैंपल देकर अपना एचआईवी टेस्ट कराया था, रिपोर्ट निगेटिव आई है। युवक के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने पर वह 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाकर खुद को पॉजिटिव करेगा। युवक ने इसकी सूचना जबलपुर कलेक्टर एसपी मेडिकल कॉलेज प्रशासन और गढ़ा थाना पुलिस को दी है। युवक ने बताया कि उसके पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे। साल 1995 में पिता को एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिली। बीमारी से लड़ते लड़ते 9 साल बाद 2004 में उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद माँ और हम दो भाइयों के ब्लड की एचआईवी जांच हुई। माँ की रिपोर्ट भी एचआईवी पॉजिटिव आई, जबकि उसकी और उसके छोटे भाई की रिपोर्ट निगेटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से मेडिकल कॉलेज से संचालित एआरटी सेंटर में माँ का इलाज चल रहा है। पिता की मौत के बाद घर में बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण के खर्च की जिम्मेदारी उस पर आ गई। युवक के परिवार में माँ के अलावा पत्नी, एक बेटी, छोटा भाई, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी हैं। दोनों भाई प्राइवेट जॉब कर घर खर्च चला रहे हैं। बता दें मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मानवीयता के आधार पर चौकीदार के बड़े बेटे की विशेष अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव चिकित्सा संचालनालय के मार्फत सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। ये निरस्त हो चुका है, लेकिन युवक तभी से लगातार अनुकंपा नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहा है। युवक ने बताया अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते करते 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एचआईवी संक्रमण से पिता की मौत के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए अनुकंपा नियुक्ति जरूरी है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग नौकरी नहीं देना चाहता। इस कारण 1 दिसंबर 2022 को विश्व एड्स दिवस के दिन खुद को एचआईवी पॉजिटिव कर लूंगा। इसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग की होगी। युवक के मुताबिक 2004 में जब पिताजी की मौत हुई तब सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं था। उस समय कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को अनुदान दिया जाता था, जो मैंने और मेरे परिवार ने नहीं लिया। तभी से लगातार अनुकंपा नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहा हूं। युवक ने बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में कार्यभारित और आकस्मिक निधि सेवा के तहत कार्यरत कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान सरकारी सेवा नियमों से किया गया है। इस संशोधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो गया हूं, लेकिन संचालक चिकित्सा शिक्षा और अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा दफ्तर में अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लंबित है। नहीं सुन रही है, तो अब मेरे पास ये लास्ट विकल्प है कि मैं भी पॉजिटिव हो जाऊं और जैसा मेरा परिवार चल रहा है ऐसे चलेगा। वैसे किसी को यहाँ किसी से मतलब तो है नहीं। अभी निगेटिव है आप? अभी मैं निगेटिव हूँ। मेरे पास ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है और इसी ये सब प्रोसेस के लिए मैंने जांचें कराई थी, ताकि कल को प्रशासन ये ना बोले कि हाँ ये आप तो पॉजिटिव थे और आप फ्री में लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा।